नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, परुद्धर महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक फील्ड पढ़ा, फील्ड के कितने भाग होते हैं ये पढ़ा। उसके बाद में अदिश क्षेत्र की प्रवणता पढ़ी। तो डीए स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की, क्या थी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, क्या होता है, यानी कि किसी भी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। और उसके बाद में हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता डायग्राम के माध्यम से उसको समझा, उसका रिजल्टेंट निकाला कि उसका रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद में कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, कार्तीय निर्देशांकों के में अदिश क्षेत्र की प्रवणता, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता, यह हमारा टॉपिक रनिंग में था। लास्ट क्लास में हमने एक सॉल्यूशन निकाला था, डी फाई इक्वल टू ग्रेड फाई तो टी आर, ये सॉल्यूशन हमने लास्ट क्लास में निकाल लिया था। यहां तक किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। उसके बाद में इस सॉल्यूशन को कार्तीय निर्देशांकों के रूप में हल करने के लिए हम माना कोई फलन फाई लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई फलन, माना कोई फलन फाई लेते हैं, क्या लेते हैं, फाई लेते हैं, जिसके निर्देशांक क्रमशः, जिसके निर्देशांक क्रम से एक्स वाई जेड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड। ये एक्स आपको कैपिटल भी लिखा हुआ मिल सकता है प्यारे विद्यार्थी। इसको हम संपूर्ण डेरिवेटिव यानी कि कंप्लीट डेरिवेटिव में लिखे, उस फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, यानी कि आंशिक अवकलज के रूप में इसको लिखे तो डी फाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई, प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डी जेड। इसको इस रूप में लिख सकते हैं आंशिक अवकलज फॉर्म में। अब इसका यानी कि इसको हमें डॉट रूप में किस प्रकार से, यानी कि इस समीकरण को कैसे चेंज करें कि ये मान हमारे को प्राप्त हो जाए, कब, डॉट रूप में लिखने पर। तो इसको डॉट रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट डी फाई इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स, क्या, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट आई, ये भी डायरेक्शन को शो करता है, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डॉट जे। इसी प्रकार प्लस डेल फाई अपॉन डेल जे डॉट के कै, क्या इस समीकरण से मान प्राप्त हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, तो इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं। कौन सी राशि से इसका डॉट प्रोडक्ट करें, या कौन सा ऐसा मान है जिससे इसका डॉट प्रोडक्ट करने पर ये मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि भी हमारे को न तो डी एक्स दिख रहा, न डी वाई दिख रहा, न डी जेड। अब इसमें नई यानी दिशा हमने ली आई जे के, तो देखो विद्यार्थियों डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका आई कैफ डॉट डी एक्स प्लस जे कैफ डॉट डी वाई
प्लस के कैप डॉट डी जे। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे को ये मान प्राप्त होगा कि नहीं, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हो तुम, डॉट प्रोडक्ट किसका, जैसे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप का मान क्या प्राप्त होता है, एक, क्या प्राप्त होता है, एक होता है ना, ठीक है। आगे देखो I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I इक्वल टू जीरो, ये भी होता है। अब हम पहले विद्यार्थियों क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट आई कर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्यों, डेल फाई इस पर रफली रूप में चेक कर लेते हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट आई कर, इससे इधर से ये हो गया इधर डॉट आई डी एक्स, ये हो गया आई डॉट आई वन होता है, हमारे पास क्या मान शेष बच गया, यहां से हमारे पास मान शेष बचता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स, ये मान बचा, यही कहा क्या है, कहां है ये मान, ये है ना, यही तो हम याद करना चाह रहे थे, यानी कि इस समीकरण को आई जे के की फॉर्म में लिखने पर, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमारी, कि जो हमारा ग्रेडियंट फाई डी आर है इसको हम कार्तीय निर्देशांक के रूप में व्यक्त करना चाह रहे हैं, और कार्तीय निर्देशांक के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें ये इन मानों की आवश्यकता पड़ी, जिससे ये सॉल्यूशन करना पड़ रहा है। अब आपने विस्थापन सदिश पढ़ा होगा लास्ट, जब हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, कि माना विस्थापन सदिश क्या था, माना जो विस्थापन सदिश हमने माना था क्या था भाइयों, विस्थापन सदिश dr वेक्टर इक्वल टू क्या था, आई कैप डॉट डी एक्स प्लस जे कैप डॉट डी वाई प्लस के कैप डॉट डी जे, यही था। क्या मैं इस मान को इस समीकरण में पुट कर सकता हूं, अरे भाई इस मान को यहां रख सकता हूं ना मैं, ठीक है, तो यहां क्या जाएगा डी आर, अब इस ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डॉट जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जे डॉट के कैप, ये तो ये हो गया, इधर तो ये मान हो गया, इधर क्या आ गया डॉट डी आर, डी फाई की वैल्यू चल रही है, डॉट डी आर एक्टर आ गया, पहले ध्यान जिसके आगे हम क्या कर सकते हैं भाई, ये फाई इसको ये कॉमन है तीनों में, इसको बाहर लिख सकते हैं, तो क्या बच जाएगा डी फाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स डॉट आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई डॉट जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड डॉट के कैप फाई डॉट डी आर, ये लिख सकते हैं इसको, ये इसको लिख सकते हैं ना, ठीक। उसके बाद में ये अपने पास डी फाई की वैल्यू आ गई, अब हम एक डेल वेक्टर के रूप में पढ़ते हैं कि जो डेल अपॉन डेल एक्स डॉट आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये डेल ऑपरेटर कहलाता है, और जो सदिश राशि होती है जिसकी दिशा भी होती है, क्या होती है, जिसकी दिशा भी होती है, क्योंकि वी नो दैट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि डेल ऑपरेटर यानी कि डेल जो संकारक है उसकी वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, ये जो है
यह एक सदिश राशि है। क्या है ये? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा भी होती है। क्या मैं ये मान यहां पुट कर सकता हूं? तो यहां पुट करने पर हमारी इक्वेशन डी फाई इक्वल टू क्या प्राप्त होगी? डेल डो फाई डो डीआर। इसको हम इक्वेशन नंबर दे दें, इसको हम इक्वेशन नंबर दे दें। और हमने जो लास्ट क्लास में इक्वेशन नंबर जो 6 पढ़ी थी वो आप सभी को पता होगा, वो हमारी इक्वेशन यही थी कि डी फाई इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर। अब इस इक्वेशन में माना यहां हम उससे नेक्स्ट जो इक्वेशन थी उतने नंबर इसको दे रहा है, माना वो 6-5 थी, 6 इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन नंबर 7 में मान कहां से रखा? यहां से, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद में हमारी इक्वेशन नंबर ये प्राप्त हो गई 9-8, ठीक है। समीकरण 6 और 8 की हम तुलना करें, समीकरण 6 व 8 से, समीकरण 6 व 8 से क्या प्राप्त होगा हमारे को? डी फाई की वैल्यू इक्विवेलेंट यानी कि डेल डॉट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्विवेलेंट ग्रेडियंट फाई डीआर वेक्टर दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो सकता है, तो ग्रेड फाई अपने पास क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू डेल डॉट फाई। ये जो इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 9, ये कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता की समीकरण कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका लास्ट सॉल्यूशन है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। कल हमने कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें लास्ट सॉल्यूशन हमने निकाला था डी फाई इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट डी आर, ठीक है, यहां तक हमने कल निकाल दिया था। उसके बाद हमने माना कोई फलन फाई माना है, क्या माना है? कोई फलन फाई माना है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं? निर्देशांक दिए गए एक्स वाई जेड, ठीक है, उसको हम आंशिक अवकलज के रूप में जब लिखेंगे तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डी जेड। काम खत्म इसका यहां तक का। उसके बाद में डी फाई इक्वल टू जो डी फाई अपॉन डी एक्स और डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स डी वाई डी जेड की जो फॉर्म प्राप्त हुई है, इसको हम आई जे के फॉर्म में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो आई जे के की फॉर्म में व्यक्त करने पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे को सॉल्यूशन प्राप्त होता है। उसके बाद में हम जानते हैं कि जो विस्थापन सदिश डी आर वेक्टर का मान होता है वो कितना होता है? डी आर वेक्टर इक्वल टू आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ये मान यहां था, यहां डी आर रखने पर डी आर वेक्टर रख दिया। उसके बाद में जो फाई था उसको सेपरेट यानी कि बाहर लिया, कॉमन लिया, जो वैल्यू बची उसको कोष्ट के अंदर लिखा। ये हम जानते हैं कि डेल ऑपरेटर होता है जो एक सदिश राशि होती है, इसकी जगह डेल रखा। डेल रखने के बाद जो हमारे पास समीकरण 8 आती है उसकी तुलना समीकरण 6 से कर रहे हैं। समीकरण 6 और 8 की तुलना कर रहे हैं, ठीक है, 6 और 8 की तुलना की तो समीकरण हमारे को 9 प्राप्त होती है। इट इज कॉल्ड कौन सी इक्वेशन? अदिश क्षेत्र की प्रवणता की समीकरण किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप। यह समीकरण 3 निर्देशांकों के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता को व्यक्त करती है। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। प्यारे विद्यार्थी, आप अपनी रफ नोटबुक में इसको राइट करें और समझें। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें जिससे हम आपको समझा सकें। धन्यवाद।